जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट डेट जो है वो घोषित हो चुका है, तो मैं इस वीडियो में पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को पूरा पूरा देखें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हम आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना क्रोम ब्राउजर खोल लेना है। तो चलिए मैं क्रोम ब्राउजर खोल लेता हूँ। क्रोम ब्राउजर खोलने के बाद इसमें आपको सर्च करना है स्टडी गवर्नमेंट एग्जाम, आपको सर्च कर लेना है स्टडी गवर्नमेंट एग्जाम, इसको सर्च कर लेना है। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसका यह फर्स्ट लिंक आपको दिख रहा होगा स्टडी गवर्नमेंट एग्जाम, यानी studygovernmentexam.com, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों एक नया पेज ओपन होगा, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है वेलकम टू studygovernmentexam.com। यहाँ खोलने के बाद आपको बहुत सारा नोटिफिकेशन मिलेगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बिहार बोर्ड दसवीं रिजल्ट घोषित होगा इस दिन। चलो अगर दसवीं का देख रहा है कि किस दिन होता है, तो आपको सिंपली इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों एक नया पेज ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ मैं स्क्रॉल करके दिखा दूं, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि बिहार बोर्ड के छात्रों और उनके माता पिता के, इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है प्रारंभिक घोषणा कर देगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि चिंता को ध्यान रखते हुए मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक BSEB यानी बिहार बोर्ड 7 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में बिहार बोर्ड दसवीं का रिजल्ट घोषित करेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं, ये तो हो गया दसवीं का। अब आते हैं कि बारहवीं का रिजल्ट कब करेगा। मैं इसे फिर से बैक कर लेता हूँ और यहाँ एक दूसरा नोटिफिकेशन आपको शो हो रहा होगा कि बिहार बोर्ड दसवीं का हो गया। अब देख लेना है कि बिहार बोर्ड 12th रिजल्ट बिहार बोर्ड का घोषित होगा इस दिन। इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद फिर से एक नया पेज ओपन हो गया। ओपन होने के बाद इसको थोड़ा हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद यहाँ हम देखेंगे कि कहाँ गया, कहाँ यहाँ कि इस साल 12 इतना सारे 12 लाख छात्रों ने परीक्षा में रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें से इतने हो गए 5,38,000 लड़कियाँ हो गए, 6,56,000 लड़के शामिल थे। और इसमें बता दें कि 27 मार्च से 30 मार्च के बीच 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है, यानी कि 10वीं का रिजल्ट जो है 7 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में आ जाएगा और 12वीं यानी इंटर का जो रिजल्ट है 27 मार्च और 30 से 30 मार्च के बीच आ सकता है। तो इस तरह नए नए नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, हमारे चैनल का सब्सक्राइब कर ले। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।